क्वेश्चन नंबर 22, उदाहरण नंबर 13 ना संदर्भ में नीचे आपेल कोष्टक पूरा करो। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर से ये कोष्टक हमारे पूरा करने गए। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहले 22 देख लो, हमारो कोष्टक दिए रहा है घटना पासा बनु सरवाड़ो, दो सरवाड़ा उसकी संभावना 1/36, तीन संभावनाओं ढूंढने के 4 की, ढूंढने के 5 की, 6 की, 7 की, फिर 8 का सरवाड़ा हो उसकी संभावना 5/36 है, 9 संभावनाओं ढूंढने के, 10 भी ढूंढने के, 11 भी ढूंढने की और 12 भी। पहले कोष्टक हमारे क्या करने का, पूरने का है, या जो जो ब्लैंक है वो हमारे क्या करने का, जवाब लेके आने का है। स्क्रीन पे जो उदाहरण नंबर हमारो संदर्भ बोला है 13, एक बुरो और एक राखोड़ी एम बे पासा ने एक साथ उछाड़ा है, तमाम शक्य परिणामों लखो। पासे को 2 बार उछालने का है, हमारे कितनी बार उछालने का है, 2 बार। तो हमने हमारा जो इंट्रो लेक्चर था, पासे को 1 बार उछाल दे तो इसका जवाब आता है पासा, मतलब जो अपने सांप सीढ़ी खेलते, लूडो खेलते, इसमें जो पासे पे नंबर होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 बार उछालेंगे तो कहाँ तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या तो 6 नंबर आएगा। पर लेकिन 2 बार उछालेंगे तो इसका परिणाम हमने इंट्रो लेक्चर में देखा था। अब 2 बार उछालेंगे तो हमारे यहाँ बुलाए कोष्टक में सरवाड़ा ढूंढने का, क्या ढूंढने का है, सरवाड़ा। तो पहले हम लिखेंगे 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर एक लाइन छोड़ के, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर एक लाइन छोड़ के 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर एक लाइन छोड़ के 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, फिर एक लाइन छोड़ के 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, फिर एक लाइन छोड़ के 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। अब डायरेक्ट हम लिखे सरवाड़ो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चेक कर लो। 1 ने 1 2 होता है, 1 ने 2 3, 2 ने 1 3, 1 ने 3 4, 2 ने 2 4, 3 ने 1 4। तो हमने जो जो लिखा वो सामने वाला सरवाड़ा में 5 सरवाड़े हो, 4 और 1 5, 3 ने 2 5, 2 ने 3 5, 1 और 4 5। तो ये हमारे को बनाते आना चाहिए, ये हमारे मिले निर्दशा अवकाश मिला हमारे को, कुल घटना मिली, कुल घटना टोटल कितनी होती है 36, ये इंट्रो में हमने देखा था। इस पर तुम उदाहरण नंबर 13 भी कर सकते हो, उदाहरण नंबर 13 के भी तुम आंसर ला सकते हो, पर फिलहाल अभी हम करेंगे 22 करेंगे। हमारा पहला सवाल आप स्क्रीन पर देखो, इसमें दो पासों का सरवाड़ा 2 होता है, उसका जवाब 1/36 आ रहा है। तो पासे पे 2 सरवाड़ा होता है, ऐसी घटना कितनी बनती है, 1 बनती है, तो 1/36 जो हमारे को आंसर में दे दिया है। अब हमारे को पूछा गया है कि 3 सरवाड़ा हो, फिर 4 हो, 5 हो, 6 हो, फिर 7 हो, 9 हो, 10 हो, 11 का सरवाड़ा हमारे ढूंढने का है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बना लो, ये निर्दशा अवकाश, ये सब घटना पासे की बना लो, फिर घटना बनाए बाद फिर हम दाखला एक एक करके गिनेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सरवाड़ा 3 हो, पहला कोष्टक में खाली गया में क्या है, कोष्टक बुनना पड़ेगा सरवाड़ा कितना हो, 3 सरवाड़ा होना चाहिए। तो हमने जो निर्दशा अवकाश जो घटना बनाई 36 घटना में, चेक करते कि सरवाड़ो 3 किसका किसका होता है। तो देखो ये तुम्हारे क्वेश्चन में दौड़ना पड़ेगा, ये कंपलसरी। तो 3 सरवाड़े वाले कौन है, 1, 2 और 2, 1 है। तो 3 सरवाड़े वाले ये हमारा एम हो गया, क्या है, 1, 2 और 2, 1। सूत्र क्या होगा हमारा, पी ए बराबर एम भागाकार में क्या होगा, एन। ये एम कितने हो गए, 2 हो गए, 1 ने 1 2, और टोटल कितने, 36। अभी दोनों बेकी संख्या है तो ऊपर नीचे आधे आधे करना हो, 2 के आधे 1, 36 के आधे 18। तो हमारा पहला कोष्टक का आंसर कितना आया, 1 के भागाकार में 18 आया। इसी तरह हमारा दूसरा क्या पूछा है, सरवाड़ा कितना पूछा है, 4 पूछा है, 4 सरवाड़ो है, सरवाड़ो कितना हो है 4। तो हमने जो बनाए घटना 36 घटना, उसमें देख लो सरवाड़ा 4 किसका होता है, तो ये 4 वाला सरवाड़ा किसका है, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3 है ना यहाँ पे, 1, 3, 2, 2, 3, 1, ये सब हमारे लिखना पड़ेगा। तो एम हमारा क्या है, 1, 3, 2, 2 और 3, 1। तो सूत्र क्या होगा, पी बी बराबर एम भागाकार में क्या होगा, एन। ये कितने, 3 है, टोटल परिणाम कितने, 36, 12 तरी 36, तो नीचे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/12। अब तीसरा हमारा क्या है, अंदर सरवाड़ा कितना होना चाहिए, 5 सरवाड़ा होना चाहिए, सरवाड़ा कितना होना चाहिए, 5।
अब हमारे गन्ने का सरवाड़ो पांच सरवाड़ा हुआ है, तो पांच सरवाड़े वाले हमारे पास कितने हैं? ये पांच सरवाड़े वाले, एक चार दो तीन, तीन दो चार एक, तो पांच सरवाड़े वाले ए एम हो गए, एक एक चार दो तीन, तीन दो चार एक, ये कितनी संख्या हुई? चार संख्या हुई। एम कितने मिल गए? चार। पी सी बराबर एम भागाकार में एन, तो चार के भागाकार में 36। ये हमारे भागाकार करना हो तो कर सकते हैं, हम नहीं करना तो ये भी हम डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं, रखना हो तो हमारे ये आंसर कितना आया? चार भागिया 36 आया। इसी तरह हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा? सरवाड़ो छः है, तो छः वाले, छः जिसका सरवाड़ा है वो कितने हैं? एक पाँच दो चार, तीन तीन चार दो पाँच एक, तो छः सरवाड़े वाले कितने? एक दो तीन चार पाँच। हम लिखेंगे यहाँ पे छः सरवाड़े वाले कितने? एक पाँच दो चार, तीन तीन चार दो पाँच एक, ये संख्या कितनी हुई? एक दो तीन चार पाँच, तो हमारा कितना आया? ये एम पाँच हो गया, 36 थी। हमारा आंसर कितना हो गया? छः सरवाड़े वाले का पाँच भागिया 36। फिर सातवां हमारे को क्या पूछा है? सात सरवाड़ो है, सरवाड़ो सात जिसका होगा तो हम चेक कर लेंगे, ये हमारा बनाना पड़ेगा, ये हमारे आंसर में बताना पड़ेगा कितना है। एक छः दो पाँच, तीन चार, चार तीन, पाँच दो छः एक, ये सात सरवाड़ वाले कितने हो गए? ये छः हो गए, तो हमारा आंसर कितना आएगा? छः भागिया 36। इसी तरह हमारे पूछा है नौ सरवाड़ा, तो नौ सरवाड़े वाले हम टेबल में देख लेंगे कितना है, तीन छः चार पाँच, पाँच चार और छः तीन, तो ये कितनी संख्या हुई? चार। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? चार, और भागाकार में टोटल संख्या कितनी है? 36 है। अब हमारा सरवाड़ा दस हो, सरवाड़ा दस, दस सरवाड़े वाले कितने हैं? तो मैंने डायरेक्ट करा था, दस सरवाड़े वाले चेक कर सकते हम कितने हैं? चार छः पाँच पाँच छः चार, ये तीन हुए, तो तीन का भागाकार किससे करेंगे? 36 से, तो हमारा आंसर कितना आया? तीन भागिया 36। फिर सरवाड़ा क्या पूछा? ग्यारह हो, ग्यारह, तो सरवाड़ा ग्यारह वाले कितने? पाँच छः और छः पाँच, तो ग्यारह वाले कितने हुए? दो का भागाकार किससे करेंगे? 36 से, ही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम उदाहरण नंबर आठ भी आप लोग कर सकते हो। अब इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन हमारे को पूछा है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। एक विद्यार्थी दलील करे छे कि 11 शक्य परिणामों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 માં છે, તેમાં પ્રત્યેક સંભાવના 1 ભાગ્યા 11 થાય, શું આપ દલીલ સાથે સહમત છો? તમારો જવાબ માં સમર્થન કરો। તો હમ ઇસે સહમત નહીં હૈ વિદ્યાર્થી થે, કારણ ક્યા હૈ કે હર એક કે છેદ મેં કોમનલી 36 તો આતા હૈ, મોસ્ટ ઓફ સબકે ભાગાકાર મેં કિતના આતા હૈ? 36, और 11 सबके भागाकार में नहीं आता। हम देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर भी 3 भागिया 36 आता है, 2 भागिया 36, 2 का भागाकार 36 से अगर मैं करूँगा तो भी 2 के आधे कितने होंगे? 1 होंगे, और 36 के आधे कितने होंगे? 18। 3 के भागाकार में कितना है? 36 से, तो 12 तरी 36, तो नीचे 1 भागिया 12। तो यहाँ पे ये बोलता हर एक के छेद में 11 आना जरूरी है, तो हर एक के छेद में 11 पॉसिबल नहीं है, तो ये विद्यार्थी की दलील कैसी है? खोटी है, हम इससे सहमत नहीं है कि हर एक के छेद में 11 पॉसिबल नहीं, हर एक के छेद में 36 पॉसिबल पर 11 पॉसिबल नहीं। और यही बोलता है कि हर एक का जवाब 1 भागिया 11 आएगा, ऐसा होता नहीं, 1 भागिया 12 भी आता है, 1 भागिया 18 भी आता है, और आगे भी आप देख सकते हो जवाब सबके के साथ है, अलग अलग, हम सहमत नहीं है। यही सम पे आप उदाहरण नंबर 8 भी कर सकते हो।